हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन और मैं हूं खरसाई चोपड़ा। दोस्तों, एमसीसी का जो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सेकेंड राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना था, वो अभी डिले हो गया है। अभी इसमें जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे उसमें EWS कोटा इम्प्लीमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर में कुछ इन्होंने चेंजिंग करना है एमसीसी ने, उसके रिगार्डिंग ये डेट एक्सटेंड हुई है। तो इसका रिवाइज शेड्यूल आ चुका है और इसका रिवाइज शेड्यूल हम जब देखते हैं तो इसमें 11th जुलाई से लेके 13th जुलाई तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और 13th जुलाई को आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद 14th जुलाई को ये चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं और 15th जुलाई को प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट होगा और 18th जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग होगी 18th जुलाई से लेके 25 जुलाई 2019 की तक। इसके बाद जो सीटें वैकेंट रह जाएंगी सेकेंड राउंड में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी कंसर्न्ड स्टेट को 25 जुलाई को 15% कोटा के लिए। जो बाकी बचती हैं डीम्ड की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो सीटें बचती हैं ESIC की, उनका रजिस्ट्रेशन 13th अगस्त से स्टार्ट होगा, 15th अगस्त तक होगा और 16 अगस्त तक आप पेमेंट कर सकते हैं और 16 अगस्त तक चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कर सकते हैं। 17th को रिजल्ट प्रोसेसिंग होगा, 18th को रिजल्ट आ जाएगा और 20 से लेकर 26 अगस्त तक आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद जो वैकेंट सीट रह जाएंगी वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी कंसर्न्ड इंस्टीट्यूट को, वो 27 अगस्त को कर दी जाएंगी। 28, 29, 30, 31 तक ये स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा हर एक इंस्टीट्यूशन में जिनकी सीटें वैकेंट रही हैं मोपअप राउंड में। उसके बाद में एडमिशन क्लोज हो जाएगा 31st अगस्त 2019 को। तो दोस्तों, ये शेड्यूल था एमसीसी का। एमसीसी का जैसे ही सेकंड राउंड ख़त्म हो जाता है उसके बाद वैकेंट सीटें जो स्टेट को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, उसके बाद सभी स्टेट का सेकंड राउंड स्टार्ट होगा और उन वैकेंट सीट्स पर भी सेकंड राउंड इम्प्लीमेंट होगा इसमें। इसके बाद में मैं आपको बताऊँ यहाँ कि जिन जिन स्टेट्स की ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ कम जा रही है वो स्टूडेंट अपने स्टेट में सेकंड राउंड में सीटें के लिए आशा करें, लेकिन जिन स्टेट्स की कट ऑफ ज़्यादा जा रही है ऑल इंडिया से, सेकंड राउंड से भी ज़्यादा जा रही है, ऑल इंडिया के सेकंड राउंड में 580 तक जाने की संभावना है, तो जिन स्टेट के ऑल इंडिया से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, जैसे राजस्थान 607 गई है तो इसकी 590 के आसपास सेकंड राउंड में जाने की संभावना है, तो ऐसे स्टेट्स के कैंडिडेट सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा की सीट अवश्य लें, नहीं तो उनको बहुत ही बाद में पछताना पड़ेगा। ऑल इंडिया कोटा की ये स्टेट के स्टूडेंट, जैसे राजस्थान स्टेट के ही स्टूडेंट सीट लेते हैं तो उनको चार फायदे हैं इसमें। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट कॉलेजें हैं उनकी फीस ऑल इंडिया कोटा से ज़्यादा है, तो सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं फीस में वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा फायदा यह है कि जो अच्छे मार्क्स जिस स्टूडेंट के 590 के करीब राजस्थान में, उसको नई कॉलेजें जैसे बाड़मेर अब की बार खुला है नया, इस प्रकार की कॉलेजें मिलेंगी। 5 कॉलेज पिछली बार खुली थी तो नई कॉलेजें मिलेंगी। इससे अच्छा है कि आप ऑल इंडिया में पुरानी कॉलेज लें, उनका स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, तो दूसरा फायदा आपको ये होगा। तीसरा फायदा ये होगा कि आपको बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा अगर आप ऑल इंडिया कोटे से सीट लेते हैं तो। अगर राजस्थान में सीट लेते हैं तो आपको 5 लाख का बॉन्ड भरना है, आपको MBBS के बाद में सर्विस करनी पड़ेगी राजस्थान स्टेट में, अदरवाइज आपको 5 लाख रुपए पेड करने पड़ेंगे राजस्थान गवर्नमेंट को। इसके बाद में चौथा और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर अदर स्टेट में करते हैं तो वहाँ की PG की डोमिसाइल आप अवेल करेंगे, तो ये चार सबसे बड़े फायदे हैं राजस्थान स्टेट के लिए जो ऑल इंडिया की सीट लेंगे। और मेरा कहना यही है कि राजस्थान स्टेट के कैंडिडेट को सेकंड राउंड में सभी कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा की सीट लें जो उस रेंज में आते हैं जिन जिन को मिलती है, और वो सीट
आप ऑक्यूपाई कर लें, सबसे अच्छा फायदा रहेगा, नहीं तो आप गवर्नमेंट सीट से वंचित रह जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कि कौन से स्टेट के कैंडिडेट को कौन सी सीट लेनी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा का 11 तारीख से रजिस्ट्रेशन है, वो रजिस्ट्रेशन कर दें और ऑल इंडिया कोटा की सीट ले लें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।